व्हाट्सअप वेलकम बैक चैनल फिटनेस तो गाइज आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और वे प्रोटीन तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन का पोस्ट था हंड्रेड परसेंट वे प्रोटीन को रिव्यू किया था आ, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया उसके साथ साथ लोगों की एक कन्फ्यूजन भी थी कि एक और प्रोटीन सप्लीमेंट है जिसमें वो कन्फ्यूज हो गए थे कि हमें ये वाला प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए अल्टीमेट न्यूट्रिशन का पोस्ट या फिर लेना चाहिए ये वाला ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन तो वैस आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वाले वे प्रोटीन को बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत से एडवांस्ड एथलीट बिगनर से लेके एडवांस लोगों तक ने इसे यूज़ किया है बहुत ही अच्छा वे प्रोटीन है तो आज हम जानते हैं कि कैसा है ये वे प्रोटीन क्या क्या चीज़ें है इसमें आ, किस किस क्वांटिटी में है तो चलिए शुरू कर तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एडवांस एथलीट भी है जो कंपीट करते हैं प्रोफेशनली वो भी इसे यूज़ करते हैं तो ऐसा क्या है इसमें जिस वजह से वो लोग सब इसे यूज़ करते हैं तो आज हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स जो भी इससे रिलेटेड डिटेल्स है पॉजिटिव नेगेटिव वो सब मैं आपको बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है उससे तो ये मेरे पास अभी एक के जी का है अपबॉक्स ये डिब्बा इसमें आपको साइजेस भी मिल जाएंगे बड़े तो इसमें हम न्यूट्रिशन्स पहले चेक करते हैं कि एक्चुअली में है क्या इसमें तो फर्स्ट इसका जो स्कूप साइज़ है वो थर्टी ग्राम का तीस ग्राम का एक स्कूप है जिसमें से आपको आ, 120 कैलोरीज मिलेंगे हर स्कूप में आप जब भी एक स्कूप कंज्यूम करेंगे इसका तो आपको उसमें 120 ट्वेंटी मिलेंगे जिसमें से 10 कैलोरीज जो है वो फैट से रिलेटेड है टोटल 1 ग्राम फ़ैट है जिसमें से सेचुएट फैट 0.5 ग्राम है ट्रांस फैट ज़ीरो है इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है इसमें कोलेस्ट्रॉल फोर्टी एम है सोडियम सिक्सटी एम है टोटल कार्बोहाइड्रेट सिर्फ दो ग्राम है इसमें ये अच्छी बात है शुगर दो ग्राम है प्रोटीन चौबीस ग्राम है तो तो बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्या ज़रूरी नहीं है आप हमेशा बोलते हो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए मैं कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदते हैं ना तो आप सिर्फ़ प्रोटीन के लिए पैसे दीजिए उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट अलग से नहीं चाहिए सपोज़ मैंने एक स्कूप प्रोटीन का कंज्यूम किया तो मैं चाहूँगा कि उसमें मैक्सिमम जो मेरे को अमाउंट है वो प्रोटीन का मिले एक दो ग्राम कार्बोहाइड्रेट चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं बट बहुत से लोग क्या है ना मास गेंद वगैरह ले लेते हैं या कोई भी लोकल प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेते हैं जिसमें कि 50 परसेंट भी प्रोटीन नहीं होता आप एक स्कूप कंज्यूम करेंगे तो उसमें आपको मोस्टली कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ परसेंट खाली प्रोटीन का मिलता है तो वो पैसे वेस्ट है आप प्रोटीन के लिए पैसे देवे ना तो आप कोशिश कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिले एक दो ग्राम शुगर फैट कार्बोहाइड्रेट ये सब सब में होता है तो मैं कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं सिर्फ प्रोटीन uh, सप्लीमेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि आप जो भी स्कूप कंज्यूम करें जो भी ब्रांड लें uh, उसमें आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिले अब इसमें देख लेते हैं इसमें एक ग्राम प्रोटीन कम है जैसे मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन को रिव्यू किया था तो उसमें आपको थर्टी ग्राम के स्कूप में ट्वेंटी फाइव ग्राम प्रोटीन मिला था इसमें ट्वेंटी फोर ग्राम प्रोटीन है तो तो गैस बहुत लोगों को ये पूछना रहता है कि क्या ये वे प्रोटीन आइसोलेट है या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है तो जैसे कि इसके इंग्रेडिएंट्स में दिया हुआ है कि वे प्रोटीन ब्लेंड वे प्रोटीन आइसोलेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मतलब ये वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं है तो आइसोलेट क्या होता है जिसमें मैक्सिमम आपको प्रोटीन ही मिलता है काव्स बहुत कम रहते हैं फैट कम रहता है शुगर ना के बराबर रहता है तो उसको बोलते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट वो थोड़ा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन होता है बट ये वे प्रोटीन ब्लेंड है बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही अच्छा वे प्रोटीन है इसका सिर्फ नेगेटिव इसकी जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ यही है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है आपको छः हज़ार साढ़े छः हज़ार भी पड़ सकता है ये प्राइस किसी किसी साइट में बट बहुत ही अच्छा वे प्रोटीन है अगर आप जेनविन ले तो अगर आप फेक लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्किन डिजीज़ भी हो सकता है उससे क्योंकि उसमें बहुत सारे मिलावटी चीज़ें होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो मेक श्यूर sure आप किसी अच्छे साइट से परचेज़ करें बहुत ही अच्छा वे प्रोटीन है अब जानते हैं हम इसके प्राइस के बारे में तो जैसे कि वो जो मैं जिसको मैंने रिव्यू किया था अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार का उसमें उसका जो प्राइस है वो आपको अप्रॉक्स अलग अलग साइट में छत्तीस से लेकर चार के बीच में पड़ता बट ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एथलीट यूज़ करते हैं बहुत एडवांस लोग भी इसे यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है इसकी कॉस्ट आपको 6000 से साढ़े छः हज़ार तक पड़ सकती है अलग अलग वेबसाइट्स में या फिर अगर आप लोकल किसी शॉप में लेते हो तो भी आपको ये उतना ही पड़ेगा अब आप देखिए कि वो वाले सप्लीमेंट में आपको अप्रॉक्स ढाई हज़ार या तीन हज़ार कम देना पड़ता था इसमें आपको तीन हज़ार ज़्यादा देना पड़ रहा है ओवरऑल इसकी जो प्राइसिंग है वो ब्रांड इमेज के कारण इतनी ज़्यादा है इतनी एक्सपेंसिव है ये प्रोडक्ट तो अगर आप बजट है आपका उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये प्रोटीन भी बहुत अच्छा है बहुत लोगों ने इसे यूज़ किया है बट इसका जो सबसे नेगेटिव साइड है वो ये है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जिस सप्लीमेंट की फेक कॉपीज़ बनती है वो ये है आप किसी भी लोकल शॉप में चले जाइए आपको लोग ये वाला सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे ही क्योंकि कई लोकल शॉप्स ऐसे भी होते हैं जो फेक इसकी जो कॉपीज आती है वो रखते हैं बारह सौ तेरह सौ में ये सप्लीमेंट मिल जाता है फेक और उसको लोग सात हज़ार छः हज़ार में बेचते हैं तो मेक श्योर sure आप किसी जेनवइन साइट से ही परचेस करें किसी ऐसी साइट से परचेस करें जिसके जो सप्लायर्स है वो जेनविन हों क्योंकि बहुत सारे जैसे आप ऑनलाइन uh, आजकल तो बहुत सारे साइट्स आ गए बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आपको कोई भी सप्लीमेंट uh, वगैरह मिल जाएंगे बट उसमें क्या होता है ना बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं सपोज़ आपने फ्लिपकार्ट से मंगाया तो उसके जो सप्लायर्स हैं ना वो जेनविन होने चाहिए कई सप्लायर्स ऐसे भी हैं जो कि जेनविन प्रोडक्ट आप तक डिलीवर कराते हैं बट कई सप्लायर्स ऐसे भी है जो बीच में रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट तो मेक श्योर सावधान रहे सतर्क रहे कोई भी आप प्रोडक्ट लेते समय मेक श्योर sure इसका जेनविन प्रोडक्ट ही ले अगर आपको चेक करने की आपका जो सप्लीमेंट है वो जेनुन है कि नहीं तो उसका जो टॉप लेबल है ना वहाँ पे एक स्क्रैच कोड दिया रहेगा आप उसको स्क्रैच करके स्कैन कर सकते हैं और इसकी जो साइट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि ये सप्लीमेंट जेनुन है कि नहीं तो इस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर sure आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डी कर सकते हैं मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा आपकी हर मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू